नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने कहा रची गई है साजिश। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मारी बाजी, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, डॉक्टर्स बोले 350 मिलीग्राम ब्लड देती है नई जिंदगी। TNB लॉ कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं को दिया गया मार्गदर्शन। और गौशाला में चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों की उड़ी थी। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दरियापुर गांव निवासी तेतर यादव के 23 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। वही घटना की सूचना पर पहुंची सजौर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक के पिता ने गाँव के ही मुन्नी यादव के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक की शादी 2 वर्ष पूर्व सरगंज के रणगांव में हुई थी। पिछले कई वर्षों से मुन्नी यादव से किसी बात को लेकर उसका विवाद चल रहा था। वही मामले पर सजौर थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा ने कहा कि शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इतने टा बात करी के बस हम चलो लिए घर आपस हो गए। मरला से हमरा रस्सी से टुनी जाता मुन्नी जाता खान टुनी जाता वगैरह रस्सी दिला चली और रस्सी ओकरे घर हमरा रस्सी ओकरे कन चले और रस्सी पर प्रगट होले वही रस्सी से फंसी लगा वही रस्सी से फंसी लग रही हमरा शक छे ओकरे घर से मारा पड़ले मुन्नी जाता खेत में था 9 बजे तक। 9 बजे के बाद पापा भी साथ में था, पापा घर चलाया। उसके बाद पापा खाना उना खा के सो गया, खाना उसका ले गया था तो बोला चलो हम खाना खाएगा घर है वो। उसके बाद मोटा मोटी 11:30 बज गया रात। 11:30 बजे रात में फिर चचा गया हमारे पास, देखें घर नहीं लोज। फिर हम लोग गए खोजने के लिए तो जहाँ भी बॉडी मिला हमको उस जगह सगर खोजे हैं, कहीं कुछ नहीं था। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वधान में सैंडस कंपाउंड में चल रहे जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न विद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला एथलेटिक संघ के सचिव मोहम्मद नसर आलम, जिला भरोत्तोलन के सचिव नीरज राय, कबड्डी संघ के सचिव गौतम बालीवाल, संघ के सचिव अजय राय, कराटे संघ के मनीष कुमार, SDO जेड हसन समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। बता दें कि जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में इस बार 3 आयु वर्ग U14, U17 और U19 की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें वर्ग 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वही कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वधान में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन एथलेटिक्स खेल विधा का परिणाम भी बेहतर रहा। मौके पर SDO जेड हसन ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला खेल पदाधिकारी और पूरे हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को कि उन्होंने मुझे इसका आमंत्रित किया। यूं तो हम लोग एक साल में वार्षिक कोरोना के कारण हम लोग नहीं करवा पाए थे। एनुअल एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स हम लोग 3 दिनों का करते हैं इस संगीत कंपाउंड में और हमको लगता है कि बहुत सारे प्रतिभागी इसमें भाग भी लेते होंगे। इसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं और सभी एक ग्रुप के हैं। तो खेल से जो मेरा लगाव है वो स्कूल लाइफ से ही है।
भागलपुर के माउंट एसएससी स्कूल जूनियर सेक्शन के समीप स्थित हेलोमेड्स हॉस्पिटल में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में हेलोमेड्स हॉस्पिटल के ऑनर कर्मी और आसपास के लोगों ने भी रक्तदान किया। वहीं ग्लोबल ब्लड बैंक सेंटर के अरुण कुमार झा और हेलोमेड्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद प्रियदर्शी के नेतृत्व में टीम ने कई यूनिट रक्त संग्रह किया। बताया गया कि हेलोमेड्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह एवं डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी के सुपुत्र यशविक सिंह के पहले जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अस्पताल परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें अस्पताल के कर्मियों के अलावा युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत हम लोग बराबर विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं, जबकि डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को हेलोमेड्स हॉस्पिटल में निःशुल्क ओपीडी होता है, जिसमें मरीज आकर चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। वही हेलोमेड्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद प्रियदर्शी ने बताया कि आज के रक्तदान शिविर में कुल 14 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके पूर्व सभी रक्तदाताओं का हेल्थ चेकअप किया गया और फिट डोनर ने स्वेच्छा से महादान किया। इस दौरान उपस्थित युवाओं ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान और पुण्य कार्य नहीं है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी को नया जीवन दे सकता है, इसलिए सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वही आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि रक्तदान करना मानवता हित में सबसे बड़ा नेक कार्य है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हॉस्पिटल के सदस्य अनवरत रक्तदान करते रहेंगे। मौके पर ग्लोबल ब्लड बैंक सेंटर के अरुण कुमार झा ने कहा कि रक्तदान का कार्यक्रम बीच बीच में होते रहना चाहिए, ताकि ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना हो। वही डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने बताया कि आपके 350 मिलीग्राम खून से किसी का जीवन बच सकता है, इसलिए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आज हमने हमारे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। हम हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आसपास के रिमोट एरियाज में यूजुअली हेल्थ चेकअप कैंप्स करवाते रहते हैं, ताकि बेहतर इलाज की सुविधा आसपास के गाँव वाले लोगों को भी मिल सके। और हमने अभी आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम डेली पेशेंट्स से ऐसे मिलते हैं जो ब्लड की कमी के वजह से जिनकी जान चली जाती है। तो ब्लड डोनेट करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को लोगों ने ऐसे मन में बना रखा है कि ब्लड डोनेट करने से वो वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ब्लड डोनेट करना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो अपने इस चीज़ को अपने मन से निकाल देना है और रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आपके सहसाथी बहुत हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जिनसे उनकी जान बच सकती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे अस्पताल में हम एवरी वेडनेसडे फ्री ओपीडी रखते हैं, और हमारा यही कोशिश रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करवा सकें और बेहतर सुविधा दे सकें हेल्थ सेक्टर में। देखिए, आज हम लोग एक हेलोमेड्स हॉस्पिटल के अंदर हेलोमेड्स फैमिली और ग्लोबल ब्लड बैंक फैमिली के दोनों मिल करके एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किए हैं। ये कैंप हम लोग जो है लोगों के पेशेंट के हित को देखते हुए ये किया गया है कि हम लोग जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, तो अभी जिस तरह का डेंगू का वेव चला हुआ है या बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जिनको कि ब्लड के संबंधित बहुत तरह की परेशानियाँ होती है, या लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि वो ब्लड डोनेशन से बहुत डरते भी हैं, तो ये एक अवेयरनेस जगाने के लिए भी और जरूरतमंदों को उसके ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए भी एक हम लोग मुफ्त ब्लड डोनेशन कैंप कराए हुए हैं। और जो भी लोग इसमें अपने स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग आकर के इसमें ब्लड डोनेशन करके अपना योगदान भी दे रहे हैं। भागलपुर के TNB लॉ कॉलेज में रविवार को लॉ के फाइनल वर्ष के छात्रों के द्वारा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम कम एलुमिनाई मीट आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सिविल कोर्ट भागलपुर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ ही पूर्ववर्ती छात्र में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु अग्रवाल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद फिरोज अकरम, ACJM सुनील कुमार, JM भवेश कुमार, संजय दत्ता, मोहम्मद आफ्ताब आलम अधिवक्ता से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी अधिवक्ता, पिंटू सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा, कॉलेज के पूर्व शिक्षक CM पांडे, अरविंद पंजियारा एवं महाविद्यालय के शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर छात्र सौरभ, अंकेश, रवि रंजन, अभिनव आनंद, शुभम आनंद, विक्रम, अनुपम उपाध्याय सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
भागलपुर के गौशाला प्रांगण में आज फन विथ कलर्स टीम की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष बुलबुल कुमारी, सचिव प्रदीप सिवानीवाला, मुख्य अतिथि राम गोपाल पोद्दार, डॉक्टर ओमनाथ भारती, शारदा देवी बाजोरिया, सुनील जैन एवं बिहारी चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान फन विथ कलर्स की प्रेसिडेंट बुलबुल कुमारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकालकर कला और हुनर से जोड़ना है। वही कार्यक्रम में उत्तीर्ण रहे प्रतिभागी को पुरस्कार वितरण भी किया गया। प्रथम स्थान लावण्य अग्रवाल, पूर्वी अग्रवाल ने प्राप्त किया, जबकि दूसरा स्थान प्रियल, ऋतिक, रेहान, खेतान और तीसरा स्थान निधि, आरोही एवं कनिज को मिला। सभी विजेता को संस्था द्वारा सर्टिफिकेट, मेडल और गिफ्ट दिया गया। मौके पर कार्यकर्ता ज्योति खेतान, सरिता गर्ग, सम्राट अग्रवाल, कन्हैया कुमार, डॉक्टर विश्वनाथ भारती, शिल्पी कुमारी, प्रियंका सोनी, मीना शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुख्य बिंदु है बच्चे को कलात्मक रचनात्मक बनाना। कला पुरुषता को जन्म देती है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जाती है। इसीलिए बच्चों में कला तनाव से वो दूर रहे, फोन से दूर रहे, वो कला के द्वारा ही बच्चों की क्रिएटिविटी को जाना जा सकता है कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो आगे क्या बनना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है ताकि बच्चों के बारे में हम जान सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को के बारे में जानें और उन्हें और उनकी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि आज के समय बच्चे को तनाव में रहते हैं, हमेशा टीवी वगैरह देखना, तो हम लोग बच्चों को बीच बीच में ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं ताकि बच्चे जो है ड्राइंग से कला नेचर सबसे कुछ सीखे और अपनी अंदर की जो टैलेंट है उसको निखारे। इसलिए हम लोग हर जब एग्जाम फिनिश होता है तो बच्चों के डिमांड के हिसाब से ड्राइंग वगैरह करवाते हैं और इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे का माइंड फ्रेश होता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत सरकार और राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाता है। लेकिन कई अधिकारी और डीलर किसानों को लाभ देने में कोताही करते हैं, जिससे किसानों को निराशा झेलनी पड़ती है। मामला भागलपुर जिला के नवछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड का है, जहाँ सरकार के द्वारा किसान के लिए अनुदानित बीज वितरण करने का आदेश आया है। गोपालपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में बीज वितरण होना है, लेकिन किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराकर घंटों ओटीपी के लिए इंतजार करना पड़ता है। यहां तक कि ओटीपी नहीं भी आती है, जिससे कई किसान निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। ओटीपी आने का इंतजार जब खत्म होता है तो किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे दिन बीज वितरण करने का आश्वासन मिलता है। वही काफी संख्या में किसान दूसरे दिन 15 किलोमीटर दूर से लेने कार्यालय आए, लेकिन कार्यालय के बंद रहने के कारण लोग परेशान दिखे। इस दौरान किसानों ने कहा कि उनकी आय दुगनी क्या होगी, लाभ से ज्यादा उन्हें हानि हो जाती है। वही इस विषय में जानकारी लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।
आज कल बोला कि कल 12 बजे आइए, आज रविवार है, आज का नाम बोला 12 बजे आइए, हम पूछबो किए, आज संडे है, मतलब संडे को आप बांटिएगा, बोला कि हाँ 12 बजे आइए, 12 बजे से बांटना चालू करेंगे। तो हम आए आज सारे लगभग 12:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक देखते हैं ताला बंद है। डेली डेली मकनपुर से आना जाना, ये भाड़ा मतलब इतना में तब क्या, उसे अच्छा तो दुकान में ले ले, तब क्या जरूरी है सरकार से अनुदान लेने का। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के हर कोने से पहुंचने वाले 7500 अमृत कलश से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शनिवार को रेड क्रॉस रोड आदमपुर स्थित शहीद कैप्टन निर्भय कुमार सिंह के आवास पर भागलपुर जिला के जितने भी ब्लॉक से अमृत कलश इकट्ठा हुआ है उसको एकत्रित किया गया एवं शहीद परिवार के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमृत कलश का दीपांजलि एवं पुष्पांजलि किया। वहीं आज अमृत कलश को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने बताया कि युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम में सिद्धार्थ सिंह सोलंकी, आकाश राय, चंदन ठाकुर, सुधाकर सोनू, गौरव सिन्हा, प्रणव कुमार दास, आनंद प्रकाश समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांका जिला के धुरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत काठ बन गांव बीरबलपुर पंचायत अंतर्गत ललसिया गांव में शनिवार की अहले सुबह बिजली चोरों की लापरवाही के कारण एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान ललसिया गांव निवासी 48 वर्षीय सोहन मंडल उर्फ ढोलन मंडल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोहन मंडल शनिवार की सुबह शौच करने के लिए खेत की तरफ गया हुआ था। इसी दरमियान वह खेत के रास्ते में गिरे नग्न विद्युत प्रभावित 440 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। वही आसपास के लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वैसे ही सभी सोहन मंडल को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने सोहन मंडल को मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजनों ने घटना की जानकारी धनकुंड पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। इस संबंध में मृतक के पुत्र नितेश मंडल ने बताया कि गांव के कई लोगों ने अवैध रूप से चाइनीज तार के माध्यम से अपने खेतों तक बिजली लाई है। पिछले 2 महीने से इसी प्रकार जर्जर तार के सहारे बिजली ले जाकर सिंचाई की जा रही है। तार जमीन से सटा हुआ था। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने कहा रची गई है साजिश। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मारी बाजी, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, डॉक्टर बोले 350 मिलीग्राम ब्लड देती है नई दवा। लॉ कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं को दिया गया मार्गदर्शन। और गौशाला में चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों की लीजिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।